डियर स्टूडेंट विशाल सर की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है बच्चों। जैसा कि बच्चों आप सभी को पता है कि हमारी सारी क्लासेस कैसे हो रही है, ऑनलाइन हो रही है, ठीक है, ताकि आपकी पढ़ाई जो है वहाँ ना हो सके। इस चैप्टर का नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया, लाइट यानी प्रकाश, इसका नोट्स मैंने आपको पहले प्रोवाइड करवा दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस वीडियो मैंने इस चैप्टर को सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, हम समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चूंकि प्रकाश, सबसे पहले मैं समझते हैं कि प्रकाश कहते किसको, आखिर प्रकाश होती क्या है। देखो बच्चे, प्रकाश क्या है ना, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आंखों को संवित करती है जब हम वस्तु को देखते हैं। जैसे मान लो, सपोज करो ये हमारी आंख है, ठीक है, और ये जो है वो प्रकाश का स्रोत है। प्रकाश का क्या स्रोत है, हमें इस वस्तु को अगर देखनी है तो होता क्या है, ये प्रकाश पहले इस वस्तु से टकराती है और ये वस्तु उस प्रकाश को अवशोषित नहीं करती है, बल्कि वो क्या करती है, उसको रिफ्लेक्ट कर देती है। और जब ये प्रकाश हमारी आंखों पर पड़ती है तो हम इस वस्तु को देख पाते हैं। लेकिन क्या होता है अगर इस वस्तु को पूरी तरह से वो क्या करती है, अवशोषित कर लेती, तो हमें वो कभी दिखती ही नहीं। जैसे मान लो आप लोगों को पता हो कई बार कि जब, कई बार आप लोगों को देखा होगा कि कुछ कांच से लोग कई बार क्या होता है, टकराते हैं। जैसे कि आप लोग इस वीडियो में देख रहे हो, ऐसा क्या होता है कई बार लोग इससे टकराता है। आखिर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ से आने वाले प्रकाश की किरणें परावर्तित ना होकर क्या होती है, यहाँ से निकल जाती है, ठीक है ना। अर्थात ये वस्तु क्या होती है, हमें दिखती नहीं है, ठीक है ना। लेकिन देखने के लिए आवश्यक शर्त यह है कि प्रकाश उस वस्तु से टकराए और फिर हमारे आँखों की तरफ आए। खैर ये रही हल्की सी बात प्रकाश की, और आपको पता होगा कि प्रकाश की स्पीड कितनी है, 3.0×10⁸ मीटर पर सेकेंड। खैर ये छोटी छोटी बात, हमें इस वीडियो में जो समझना है ना, जो बाकी चैप्टर है उसमें क्या है, आपको एक तो समझना है दर्पण के बारे में, और दर्पण भी कौन सा, गोली दर्पण के बारे में, उसमें आगे बात करेंगे। दूसरा आपको समझना है लेंस के बारे में, तो खैर लेंस तो हम समझेंगे बाद में, क्योंकि पहले हमारा वीडियो किस पर है, वो है दर्पण के बारे में। देखो बच्चे, दर्पण दो प्रकार की होती है, ठीक है ना। एक को तो हम कहते हैं समतल दर्पण, बिल्कुल प्लेन दर्पण, जैसा आपके घर पर होगा, और एक होता है गोलीय दर्पण। कैसा होता है वो, गोलीय दर्पण। ये दर्पण आपको कहाँ दिखेगा, आपको अपने सैलून में आपको दिख जाएगी। आपकी गाड़ी का जो लुकिंग मिरर होता है वो सारे के सारे कैसे होते हैं, गोलीय दर्पण होते हैं, ठीक है ना। जबकि समतल दर्पण जो है वो क्या होता है, बिल्कुल समान से स्ट्रेट दर्पण होता है। इन दोनों के अलग अलग कंडीशंस है, ठीक है ना। ऐसा क्या कारण है कि हमें समतल दर्पण होने के कारण गोलीय दर्पण का जो बनाने की आवश्यकता पड़ी। देखो बच्चे, ऐसा इसलिए हुआ ना कि समतल दर्पण में जितना वस्तु की दूरी होती है, अर्थात जितना वस्तु की दूरी होगी उतनी ही क्या होगी, उसकी प्रतिबिंब बनती है। अर्थात अगर मान लो एक समतल दर्पण है, समतल दर्पण में क्या होता है, जितनी दूर पर वस्तु होगी उतनी दूर पर क्या होगी, प्रतिबिंब भी बनेगी। लेकिन गोलीय दर्पण में ऐसा नहीं है, जबकि गोलीय दर्पण को हमें किसी विशेष जगह पर इसका उपयोग करना पड़ता है, उस पर हम आगे समझेंगे, ठीक है। तो हमारा चैप्टर समतल दर्पण नहीं, इसलिए हम इस पर बात नहीं करें, हमें समझना है कि इसको गोलीय दर्पण को समझना है। आखिर गोलीय दर्पण क्या होता है, देखो मान लो एक कांच का पूरा गेंद, सपोज करो कि ये पूरा का पूरा क्या है, कांच का एक गेंद है जो अंदर से क्या है, पूरी तरह से खोखला है, अंदर कुछ नहीं है बिल्कुल, ये बिल्कुल क्या है, कांच का एक गेंद है। तो ये बच्चे समझो ये कैसे होगा। अब मान लो हम करते क्या है, इस गेंद का एक छोटे से भाग को हम कट करके ऐसे निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये गेंद कुछ कैसे दिखेगी, ये गेंद आपको ऐसे दिखेगी, मतलब ये आधा हो गया ना बिल्कुल, ये कैसा हो गया, ऐसा हो गया, अर्धगोलक बन गया, ठीक है। अब देखो दो कंडीशन है बच्चे, हम कर क्या सकते हैं, अगर मान अभी तक ये कांच है बच्चे, ये भी दर्पण नहीं बना है, दर्पण के लिए क्या करना पड़ता है, हमें दर्पण बनाने के लिए उस कांच की एक तरफ हमें क्या करनी पड़ती है, कलई करनी पड़ती है, जो कि रेड पेंटोक्साइड, याद रखना किसका बना होता है, वो रेड पेंटोक्साइड का, लाल पेंटोक्साइड का वो बना होता है, मैंने आगे उसको नोट्स में लिख दिया है, ठीक है। खैर तो हमें मिलनी क्या समझनी है, हमें ये समझना है कि ये जो गेंद है बच्चे, इसको देखना, अगर मान लो हम इसको इस तरफ कलई कर दे, इस तरफ क्या कर दे, हम कलई कर दे, तो हम इस तरफ से देख पाएंगे। अगर हम इसे, इसकी जो कलई है वो कहाँ करें, वो अगर हम कलई पीछे की तरफ करें, तो इसके हम इस तरफ को हम परावर्तित तल के रूप में यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो सही समझते हैं कि दर्पण होता क्या है। तो गोलीय दर्पण एक खोखले का कोले का भाग होता है, जिसके एक तल क्या होगा, उभरा होगा, दूसरे तल से क्या कर पाए, देख पाएंगे, जैसे चांदी या फिर पारे का कलई करते हैं। अब दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार, एक को हम कहते हैं उत्तल और एक को हम कहते हैं क्या, अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण उसे कहते हैं जिसमें परावर्तन सतह के मध्य भाग से होता है और उभरी हुई होती है। जैसे आप यहाँ डायग्राम में देखो, यहाँ पर मैंने आपको दो डायग्राम बना के दिखाया, एक है अवतल दर्पण का और एक है उत्तल दर्पण का। देखो ये दोनों एक ही गोलाकार कांच का बना हुआ भाग था, दोनों कैसा भाग, एक ही गोलाकार कांच का बना हुआ भाग था, इसको हम लोगों ने क्या किया, दो भाग में बांट दिया। तो इस, अगर आप इस अवतल दर्पण को देखो, इसके हम लोगों ने क्या किया, ऊपरी भाग पर क्या किया, कलई कर दी है, अर्थात परावर्तक तल क्या होगी, नीचे वाला भाग होगा। यहाँ पर हम बोलो, अगर हम मान लो चीज़ों को देख पाएंगे तो कहाँ पर, इस जगह पर। जबकि उत्तल दर्पण का होता है, जहाँ पर परावर्तन क्या होगा, उठे हुए भाग से होगा। आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि उत्तल दर्पण में कहाँ से होगा, उठे हुए भाग से, अवतल दर्पण में धसे हुए भाग से, ठीक है ना। ये दो अलग अलग प्रकार के दर्पण होते हैं। चूँकि देखो
अवतल दर्पण में गुफा के अंदर से हो रहा है, इसको हम लोग कहते हैं केव, याद रख लो केव। इसको हम लोग कहते हैं कनकेव मिरर, क्या कहते हैं कनकेव, और अवतल लोग कहते हैं कन्वेक्स मिरर। तो दर्पण, गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, गोली दर्पण जो है वो दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक कहते हैं उत्तल दर्पण, एक को हम कहते हैं अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण उसे कहते हैं जिसका परावर्तन सतह के मध्य भाग से और ऊपरी भाग से, और अवतल दर्पण का कौन सा है, अवतल दर्पण वो दर्पण है जहाँ पर किससे किस भाग से हो, अवतल दर्पण में कहाँ से हो बच्चे, धसे हुए भाग से जब परावर्तन होती है। कोई दिक्कत नहीं है इन दोनों लेक्चर में, चलो थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं। अब देखो बच्चे, हम लोगों ने दर्पण समझ लिया, ये सब किसे कहते हैं, हम लोगों ने समझ, हमें कुछ परिभाषाओं को जानना होगा इसको आगे समझने के लिए, ठीक है ना। तो पहला आता है बच्चे वक्रता केंद्र, पहला क्या समझना पड़ेगा हमें, वक्रता केंद्र। आप इस डायग्राम को देख करके समझो वक्रता केंद्र क्या होता है, जिसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो ये जो दर्पण अगर आप देख रहे हो, ये दर्पण कभी ना कभी पूरा गोला भाग रहा होगा ना, पूरा कभी क्या रहा होगा, पूरा गोलाकार भाग रहा होगा। इस गोलक की एक केंद्र होती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा किसमें, गोलक में क्या होता है, केंद्र होता है। तो हम इसका डेफिनेशन क्या होता है बच्चे, ये दर्पण जब बना, इस दर्पण के बनने के पहले जब वो गोलक था उसके केंद्र को क्या कहते हैं, दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। ऊपर डायग्राम ऊपर आप पढ़ लो ऑप्शन हो, दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोलक के केंद्र को क्या कहते हैं, हम वक्रता केंद्र कहते हैं। क्लियर, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। दूसरा है बच्चे वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। देखो बच्चे, इस दर्पण के, दर्पण से लेकर के इस केंद्र तक की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। कौन त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, क्योंकि आपको पता है त्रिज्या का मतलब क्या होता है, रेडियस, त्रिज्या मतलब क्या होता है, रेडियस। तो इस सेंटर से लेकर के यहाँ की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं वक्रता त्रिज्या। कोई दिक्कत नहीं ना। अगला पॉइंट है बच्चे आपका ध्रुव, अगला क्या है, ध्रुव। ऊपर मैंने नोट्स में सारा कुछ लिख दिया है, आप यहाँ से पढ़ लो, सिर्फ यहाँ पर चीज़ों को समझ लो, ठीक है। अगला क्या होता है, ध्रुव। अब ध्रुव क्या होता है बच्चे, देख इस दर्पण के ना बिल्कुल मध्य भाग की जो बिंदु होती है, हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं ध्रुव, उसे क्या कहते हैं हम लोग, ध्रुव, या फिर उसे हम लोग कहते हैं पोल, ध्रुव या फिर उसे हम लोग क्या कहते हैं, पोल। और इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बिल्कुल मिडिल पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं फोकस बिंदु, क्या कहते हैं हम लोग, फोकस, क्या कहते हैं इसे, हम लोग कहते हैं फोकस। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो पहला हम लोग क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है कि दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। ध्रुव क्या होता है, गोलक के मध्य भाग को हम कहते हैं ध्रुव। और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के पॉइंट को क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं फोकस। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे बच्चे। एक होता है आपका, एक होता है आपका प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है प्रधान अक्ष, ऐसे ही कहते हैं मुख्य अक्ष। देखो वो सीधी रेखा ना जो पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर इन तीनों से गुजरे, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं प्रधान अक्ष। डायग्राम आपको दिख रहा होगा, डायग्राम में आप जैसे यहाँ पर देख पा रहे होंगे, चाहे ये पॉइंट बोलो या फिर ये पॉइंट बोलो, इसे ही क्या कहते हैं, हम कहते हैं प्रधान अक्ष। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। तो इस तरह से इस वीडियो को वहाँ तक समझते हैं बाबू। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे किस प्रकार से अलग अलग डायग्राम बनते हैं, उसके लिए आपको यहाँ तक समझ कर रखना बहुत आवश्यक है। अगर वीडियो में कोई भी दिक्कत है आप उसको कमेंट करो, और किन चीज़ों को इम्प्रूव करना है वो आप मुझे बताओ, ताकि इस तरह की वीडियो को मैं और आपके सामने ला सकूँ और आपकी पढ़ाई जो है क्लियर हो सके, ठीक है। अगले वीडियो में इस चैप्टर को हम खत्म कर डालेंगे, इस दर्पण वाले चैप्टर को। मैं वीडियो को छोटा रख रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना आने वाली वीडियोस के लिए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू।